बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। विच मीन्स एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल को ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है पी एंड क्यू पॉइंट पे। पी एंड क्यू पॉइंट पे अगर से इंटरसेक्ट करती है तो उनकी जो साइड्स रहेगी, जो साइड पे वो इंटरसेक्ट करती है वो उन साइडों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। विच मीन्स ए पी का रेशो पी बी के साथ इक्वल होगा ए क्यू का रेशो क्यू सी के साथ। तो हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल है लाइन बी सी को एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। हमारे को प्रूफ करने का ए पी का रेशो पी बी के साथ इक्वल होता है ए क्यू का रेशो क्यू सी के साथ। तो हमने कंस्ट्रक्शन किए, ड्रॉ किए सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू, पी सी एंड बी क्यू सेगमेंट ड्रॉ किए। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी दोनों के पास हैव इक्वल हाइट्स। ए पी क्यू एंड पी क्यू बी में ये जो पी क्यू है वो इक्वल हाइट है दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब दोनों ट्राइंगल की इक्वल हाइट रहेंगी तो उनके जो एरिया का रेशियो रहेगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो रहेगा वो उनके बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ए पी क्यू एंड पी क्यू इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ए पी एंड पी बी ये दो बेस रहेंगे इनके प्रोपोर्शन में रहेगा। इसको क्वेश्चन नंबर वन देंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी विच इज इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी। ए पी क्यू एंड पी क्यू सी इन दोनों ट्राइंगल में भी ये जो पी क्यू है वो हाइट है तो उनके जो एरिया का रेशियो रहेगा वो बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। विच मीन्स ए पी क्यू का बेस ए क्यू एंड पी क्यू सी का बेस क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी के प्रोपोर्शन में रहेगा। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड देंगे सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी एंड सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। विच मीन्स सेगमेंट पी क्यू जो है वो पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी दोनों में कॉमन है और साथ साथ पी क्यू और बी सी दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल है तो हैंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट। तो दोनों के पास क्या होगी, इक्वल हाइट रहेगी। इक्वल हाइट रहेगी, इक्वल हाइट रहने की वजह से नहीं है क्या, जो उनके एरिया का रेशियो रहेगा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी का विच इज इक्वल टू रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। इसको क्वेश्चन नंबर थ्री देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम कह सकते एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विच इज इक्वल टू रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब इक्वल है, अब इसकी वैल्यू हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर वन से। इक्वेशन नंबर वन बोले तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगी ए पी क्यू का रेशियो पी क्यू सी के साथ लेंगे ट्राइंगल का, तो वो होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये हमारा प्रूफ हो गया।